समझ नहीं आया तो बता दें। सन्न करने वाला ये वीडियो छत्तीसगढ़ के जशपुर का है। लाल रंग की जाइलो गाड़ी दनदनाती हुई आई और सड़क पर चलते हुए लोगों को कुचलते हुए निकल गई। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई इंसानियत नहीं। टक्कर भी जोरदार थी। गाड़ी से टकराकर लोग हवा में उछल गए। कोई यहां गिरा तो कोई कहीं और। दरअसल जशपुर के पथल गांव में कल दोपहर दुर्गा विसर्जन के बाद श्रद्धालु लौट रहे थे। भक्ति गाने बज रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी आई और लोगों को उड़ाते हुए निकल गई। 25 वीडियो में देखा जा सकता है कि गेरुआ कपड़े पहने लोगों का हुजूम सड़क पर चल रहा है। ठीक दूसरे सेकंड में एक गाड़ी आती दिखती है और चौथे सेकंड में रौनते हुए निकल जाती है। जाइलो कार से कुचले जाने से चीख पुकार मच गई। भक्ति संगीत मातम में बदल गया। मंजर ऐसा था कि कलेजा फट पड़े। हर तरफ मौत की चित्कार थी। गाड़ी की टक्कर से कई जमीन पर बेसुध पड़े दिखे। कई लोगों को गंभीर चोट आई। एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 16 बुरी तरह से जख्मी है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दो क्रिटिकल इंजर्ड है जिनके पैरों में चोट लगी और बाकी 15 है जिनको हल्की चोटी आई। पूरी घटना के ऊपर से धारा 302 और 304 मामला दर्ज किया गया। कुचले जाने की घटना के बाद पूरा इलाका उबल पड़ा। गुस्साए लोग सड़कों पर निकल गए। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बाद में आरोपी ड्राइवर भी हत्थे चढ़ा तो उसकी जमकर धुनाई कर दी। मौत की गाड़ी से गांजा की बरामदगी के बाद मामले में और ट्विस्ट आ गया। गाड़ी पर सवार राधेश्याम विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू को गांजा तस्कर बताया जा रहा है। दोनों उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश जा रहे थे। जो कार से घटना हुई है वो गांजा की तस्करी कर रहे थे ऐसा जानकारी में आया और उनके वो गांजा लेकर के जा रहे थे और यहाँ पर जो पुलिस बल लगा था पीछे किसी ने हाथ दिया है उसके बाद वो गाड़ी रुकी है और गाड़ी तेजी से भगा करके वो बहुत ही अमानवीय तरीके से ले जा करके उसने घटना को अंजाम दिया है। दोनों ही गांजा तस्करों को पकड़ा गया है। अभी पुलिस अभिरक्षा में है। बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू दोनों सिंगरौली के रहने वाले हैं और ये उड़ीसा संबलपुर साइड से लेके जा रहे थे गांजा। श्रद्धालुओं के कुचले जाने और गाड़ी के गांजा कनेक्शन के बाद सियासत में भी उबाल आ गई है। पत्थल गांव की घटना निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली घटना है। उस पूरे के पूरे घटना को यदि देखा जाए तो कोई भी पुलिस का कर्मी वहां नहीं दिखता, जबकि वहां रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा लापरवाही है और इस प्रकार असामाजिक तत्वों का हौसला छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। टोटल फेल्योर है कि असामाजिक तत्वों का हौसला कितना बुलंद हो चुका है। यहाँ अपराधी पकड़े गए हैं जो अधिकारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और मुआवजा भी करता है और उसकी भरपाई रुपयों से नहीं की जा सकती। लेकिन परिवार में इस प्रकार की घटना घटी है, निश्चित रूप से सरकार की ओर से सहायता दी जाती है, उसमें राजनीति ना करें। जसपुर कांड में गाड़ी पर सवार सभी लोग गिरफ्तार हो गए जिनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर गाड़ी पर सवार लोगों का सड़क पर चल रहे लोगों का कीड़ा मकोड़ा समझना कब खत्म होगा। आज तक ब्यूरो।